तो शुक्रिया ये बहुत ही गैर मामूली मरहला हम जिस हालात में चुन के आए, जहाँ पिछली बार मैं यहाँ से चुनकर आया तो मैं हिंदुस्तान की सबसे एम्पावर्ड और पावरफुल असेंबली में था, और आज अनफॉर्चुनेटली जो 5 अगस्त को हुआ उसके बाद अब यहाँ से जो मैं सर्टिफिकेट लेकर जाऊंगा हिंदुस्तान की सबसे तो हालांकि हमारे को हमें उसमें सीटें नहीं मिली, एक माहौल जो बना जिसमें एक पार्टी लेकिन हम इन माई हम्बल कैपेसिटी हमको ये जो है डिस एम्पावरमेंट वो जो है फिर से एम्पावर कर हर जगह जहां जाऊंगा। थोड़ा शॉकिंग है, इवन जो यहाँ मार्जिन है वो शॉकिंग है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे लंगेट में है 100% नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स ने वहाँ इंजीनियर साहब के भाई की सपोर्ट की और उन्होंने इनकी यहाँ की, तो मैं फिर अपील करता हूँ नेशनल आप कांग्रेस के जो वहाँ कैंडिडेट है उनसे, मैंने सुना वो खुद बोल रहे हैं, तो काश यहाँ इतनी ट्रांसपेरेंसी आए कि जो कुछ हो वैसे पर्दा कुछ नहीं, उससे बहुत प्रॉब्लम बढ़ता है ओवरऑल। और मुझे लगता है कि जो मरकजी सरकार है बीजेपी, उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, एक बीस्ट ने क्रिएट किया पार्लियामेंट और एक बीस्ट आज क्रिएट, उनके मुसलसल जिस तरीके के बयान आते थे, जिस तरीके का उनका एंटी मुस्लिम व्यवहार है, जैसे अभी वो एक और बयान आया है ना, तो उससे भी जो है यहाँ लोगों को लगा कि पोलराइजेशन होगा, और मुझे लगता पोलराइज हो गए, हम अपनी बात लोगों के सामने नहीं रख पाए। मैं अभी भी कहता हूँ हमारा कोई लेना देना था ना है आज की डेट में कोई नहीं, लेकिन मैं उनसे अपील करता हूँ खुदा का वास्ता ये एक्सपेरिमेंट करना बंद कर, यहाँ कौन नया बीस्ट तैयार होगा आपके एक्सपेरिमेंट से हमें नहीं मालूम, स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग एंड लेट द पीपल ऑफ जे एंड के एंड स्पेशली कश्मीर ले रहे हैं। बोला मैंने बोला एक्सपेरिमेंटेशन, उनकी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनकी जो सोशल डेमोग्राफिक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बर्बादी करेंगे, ये उसका आउटकम है। वो प्रोजेक्ट तो फेल है, प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो 100% फेल हो गया, लेकिन उसमें भी जहां ये आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं लंगेट में खुल के उन्होंने इनका